होली नजदीक आते ही पूरे कुमाऊं में होली का शुरू छाने लगता है। सरोवर नगरी नैनीताल के प्रसिद्ध मंदिर मां नैना देवी में युग मंच की ओर से आयोजित होली महोत्सव का धूमधाम से शुभारंभ हुआ है। सांस्कृतिक युवा मंच संस्था ने होली महोत्सव की शुरुआत अपने अनोखे अंदाज में की है। हर वर्ष की तरह इस बार भी नैना देवी मंदिर के प्रांगण में होलियारों की टीमों ने प्रसिद्ध गीत प्रस्तुत किए और वहीं पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनियों की खूब सराहना की है। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही कुमाऊनी ढोलों ने होलियारों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। नैनीताल पहुंचे होलियार नागेंद्र ने बताया है कि होली के नृत्य में ताल का बहुत महत्व होता है और पहाड़ों में कुमाऊनी होली गाई जाती है जो पूरे भारत की संस्कृति को दर्शाती है। और साथ ही महोत्सव के आयोजक जहूर आलम ने बताया है कि कुमाऊनी होली भारत में खेले जाने वाली होली से कुछ अलग होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां। हम यहाँ पर लड़ीपुरा शैक्षिक और सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में आए हैं। युग मंच जो यहाँ पर होली विगत 26 वर्षों से करा रहे हैं फागोत्सव, उसमें प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जहूर आलम जी को जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के जो हमारे बात को छोड़ करके वो एक हमारी खड़ी होली की जो विधा है उसको विगत 26 वर्षों से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि समाज में हमारा नाम हो सके, पहचान हो सके। इसके लिए मैं जहूर आलम जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। लोगों को याद दिलाया जाए और उनसे वो बना कराया जाए और इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये होली की टीमें बाहर से बुला करके अभी पीछे खड़ी होली देख रहे हैं। इसमें बैट होली भी होगी और महिला होली भी होगी और ये 26 साल से लोग जो क्लब का जारी रखा हुआ है और इसके बहुत अच्छे परिणाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं और अब जगह जगह पर जो है वो होली महोत्सव मनाया जाने लगा है। महिलाएँ पहले बाहर नहीं आती थी, अब जो है वो महिलाएँ भी मंचों पर आने लगी हैं और उन्होंने जो है होली की महिला होली की धूम मचा रही है।